बिहार में पंचायत चुनाव जोर शोर से चल रहा है। जमुई जिले के गिद्धौड़ प्रखंड के जिला परिषद के प्रत्याशी अपना सारा ताकत प्रचार प्रसार में झोंक दिए हैं। उन लोगों ने डोर टू डोर जाकर प्रत्याशी मतदाता को समझा बुझा रहे हैं और इस बार मुझे मतदान करें क्योंकि क्षेत्र का विकास होगा। इसी कड़ी में हमने कई लोगों से जब सवाल पूछे तो उनका कहना है कि इस बार हम लोग विकास के नाम पर वोट करने जा रहे हैं। मतदाताओं का कहना है कि जो हमारे सुख दुख में काम देगा हम उन्हीं लोगों को अपना मत देंगे। कोई लोग सिर्फ हमें वोट देने का काम करते हैं लेकिन हम लोगों का विकास नहीं करते हैं, वैसे प्रत्याशियों को इस बार सबक सिखाएंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत। मैं हूं सदानंद कुमार। अभी इस वक्त में मौजूद हूं गिद्धौर प्रखंड के रतनपुर पंचायत में और कैरा कादो गांव है। मैं हमारे साथ अभी जिला परिषद प्रत्याशी बीना देवी है। मैं इनके समर्थक से जानना चाहता हूं कि इस बार किसको समर्थन कर रहे हैं आप लोग, कैसा जिला परिषद प्रत्याशी चुन रहे हैं, आपके विकास ये प्रत्याशी करेगा या नहीं करेगा, इन्हीं सब बातों को लेकर मैं उनसे कुछ उनके समर्थक से मैं बात करूंगा। तो हमारे साथ भैया, इस बार जिला परिषद का कैसा प्रत्याशी चुन रहा है? जो काम काज करने वाला है उसी को चुनेंगे। जो विकास करेगा उन्हें? हाँ, जो विकास करने वाला है। क्या लग रहा है कि बीना देवी विकास करेगी इस बार? विकास करेगी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साबिर। चाचा, इस बार विकास को वोट दीजिएगा कि किसको? नहीं नहीं, विकास जो करेगा उसको देंगे, फॉल्सवान को देंगे, क्या होगा? तो क्या लग रहा है इस बार आपका जो प्रत्याशी है? हाँ हाँ, विकास करेगी। हाँ, विकास करेगी। हमारे साथ कुछ युवा हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इस बार आप लोग किसके तरफ रुझान आपका है, किस टाइप का आप लोग प्रत्याशी चुन रहे हैं? जो समाज सेवी हो, काम करने के लिए इच्छुक हो, बीना देवी को चुन रहे हैं हम लोग। क्या लग रहा है आपको कि बीना देवी आपके मतलब कि आपका विकास कर पाएंगे? हाँ, बीना देवी कर पाएंगे। हाँ, तो और हमारे साथ मैं बीना देवी का स्टार प्रचारक है जो कि आप देख सकते हैं कि पूरा इनका वेशभूषा स्लेट से ही रंगा हुआ है। मैं इनसे जानता हूँ कि क्या लग रहा है आपको, आप जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं फील्ड में, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? जी हाँ, ये बात रखता हूँ कि जी प्रचारक मैं कर रहा हूँ बीना देवी का, सभी लोग इनको वोट कर रहे हैं और इनको चाहते हैं, गांव का हर नागरिक चाह रहे हैं। क्या लग रहा है कि अगर आप जिसका प्रचार कर रहे हैं वो चुनाव जीत के आएगी तो जनता का कार्य होगा? जी हाँ, जरूर होगा, बढ़िया से कार्यक्रम किया जाएगा। हमारे साथ वर्तमान में जो प्रमुख साहब थे, मैं उनसे भी बात करूंगा कि इस बार आपने जिला परिषद का आपका प्रत्याशी है तो जनता का अपेक्षा के अनुसार आप कार्य कीजिएगा। बिल्कुल काम करेंगे। मैं 5 साल प्रमुख के रूप में कार्यरत था और आगे एक प्रमुख के रूप में थे, ब्लॉक में हमारा ड्यूटी था कि ब्लॉक में रहना, लेकिन हमारे गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र जो है बहुत गरीब इलाका है और ये सुदूर इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इसलिए मैं जब अपना क्षेत्र भ्रमण किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जिला परिषद से आना चाहिए, इसलिए जिला परिषद सीट महिला रहने के कारण मैं अपनी पत्नी बीना देवी को जिला परिषद से चुनाव लड़ा रहा हूँ, जिसका चुनाव चिन्ह है स्लेट छाप क्रमांक 11 पर। जिला परिषद से जीतने के बाद क्षेत्र का मैं विकास करूंगा, जो केंद्र सरकार की जितना योजना चल रहा है, राज्य सरकार का जो भी योजना चल रहा है, बहुत जगह गली नली नाली जल नल की भी समस्या है, बहुत जगह राशन कार्ड की समस्या है, इन सभी समस्याओं पे हम काम करेंगे। और मैं यह भरोसा दिलाता हूँ क्षेत्र की जनता को कि मुझे जिला परिषद आने के बाद मैं क्षेत्र का एक एक मुद्दा को देखते हुए, एक एक काम को देखते हुए मैं काम करूंगा, क्योंकि जनता ही हमारी पूंजी होती है। अगर मैं अच्छे तरीके से जनता का काम 5 साल करेंगे तो आने वाले चुनाव में यदि मैं फिर दोबारा चुनाव हम लड़ेंगे तो फिर मुझे जनता अपने आप हमको चुनेगा, इसलिए मैं जनता का काम करने के लिए ही मैं खड़ा हूँ। और आगे 5 साल जो भी सरकार की योजना होगा मैं उसको धरातल पर लाने का काम करूंगा। क्या लग रहा है आपको जीत के प्रति, आप कितने आश्वस्त हैं कि जिस तरह से आपका दौरा, क्षेत्रीय दौरा चल रहा है, लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, तो
मतदाताओं का रुझान किस टाइप का लग रहा है, जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त? मैं गिद्धौर प्रखंड के 8 पंचायत है, 8 पंचायत में लगभग 98 बूथ है और लगभग 100 गांव है। इन 100 गांव का मैं भ्रमण कर लिया हूं और मैं हर घर को डोर टू डोर जाकर समस्या भी देख रहा हूं और अपना प्रचार भी कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जिला परिषद का मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, कोई और अन्य चुनाव लड़ रहा हूं। हर जात का समर्थन हमको मिल रहा है, हर धर्म का समर्थन मिल रहा है। इस चुनाव में मैं जाति पाति नहीं, मैं जमात के साथ चल रहा हूँ, पूरे जमात मेरे साथ है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है आने वाले ये त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में 8 अक्टूबर को मुझे गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र की जनता जो है पूरे जमात के साथ हमको वोट देने जा रहा है। हमारे पीछे 13 प्रत्याशी जिला परिषद का खड़ा है, मेरे पीछे कोई है ही नहीं, मैं अकेला और सबसे आगे चल रहा हूँ। मेरे पीछे में कंपटीशन में मेरा कोई नहीं है। अभी जो आप देख रहे हैं कि ये इनका बिल्कुल जो समर्थक है, बिल्कुल इन लोगों का एक हौसला है कि नहीं इस बार हम लोग इन्हीं को प्रत्याशी बनाएंगे क्योंकि इस बार विकास करेगा। R9 भारत के लिए सदानंद कुमार की रिपोर्ट, जमुई।